नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिकॉर्न लैंग्वेज चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट थर्ड ईयर, इसके हम लोग बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हमने इवेंट सेलेक्टर का एग्जांपल देख लिया। अब आते हैं हम लोग आईडी सेलेक्टर का एग्जांपल देखते हैं और आईडी सेलेक्टर में हमको क्या क्या डिफाइन करना है, हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। ओके डियर, आइए जल्दी से देखते हैं आईडी सेलेक्टर में क्या क्या होता है। तो आज का हमारा तीसरा एग्जांपल आईडी सेलेक्टर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तुरंत यहाँ पे हमने हेड ओपन कर लिया, स्टाइल ओपन कर लिया। अब जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है जरूर आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे कलर क्या लिख लिया, रेड लिख लिया। कलर क्या ले लिया भाई, हमने यहाँ पे रेड ले लिया। ठीक है, कलर हमने यहाँ पे रेड ले लिया। रेड लेते ही यहाँ पे हमको, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करना है हमको, टेक्स्ट लाइन को सेंटर करना है। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे सेंटर लगा दिया। टेक्स्ट अलाइन को हमको क्या करना है, क्या करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया हमने, यहाँ पे सेंटर कर लिया। ओके, चलिए अब क्या करना है सेंटर के बाद, ओके, स्टाइल के बाद यार ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन किए थे, ओके, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे हमने क्लोज किया, स्टाइल बंद, हेड बंद, स्टाइल बंद हो गया, कट बंद हो गया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, बॉडी ओपन कर लेंगे। क्या किया, यहाँ पे बॉडी टैग अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब बॉडी के अंदर दोस्तों क्या रखेंगे, बॉडी के अंदर हमको यहाँ पे जो चीज़ डिफाइन करना है, चलिए हमने पहला डिफाइन कर लिया पैराग्राफ। क्या हमने डिफाइन कर लिया, पैराग्राफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, टी टैग लगा दिया और मैं दे गया दिस इज ए पैराग्राफ। दिस इज ए पैराग्राफ, पी टैग बंद हो गया। ओके, पी टैग क्लोज हो गया, आपका बॉडी बंद हो गया। बॉडी बंद हो गया, बंद कर दिया। आई दोस्तों को सेव करते हैं हम लोग, और सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, रवि डॉट से सेव कर देते हैं, रवि डॉट एचटीएमएल। चलिए रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आईडी सेलेक्टर, और आईडी सेलेक्टर को हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर लिया। ठीक है, आईडी सेलेक्टर को हमने क्या कर लिया, डिफाइन भी कर लिया। ओके,